प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ टेक इन दिस न्यू वीडियो। नमस्कार दोस्तों, टेक इन दी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे है हमारे पास Redmi Note 4, और ये कुछ आम Redmi Note 4 नहीं है, ये हमारे पास जो वेरिएंट है वो है काफी रेयर Redmi Note 4 ब्लैक वेरिएंट। आखिरकार 2 महीने वेट करने के बाद फाइनली हमने ये ऑर्डर किया है और इसका हम एक्सक्लूसिवली आज अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बॉक्स को देखने जाए तो यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं देखने को मिलने वाला है, और अगर आप Redmi Note 4 का पहले का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बॉक्स और सेम बॉक्स कंटेंट आपको मिलेगा, मगर जो खास चीज़ है वो है इसका हेडसेट Redmi Note 4 ब्लैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लुक में ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। फिर भी हम देखते हैं कि बॉक्स में आपको और क्या मिल जाता है। और यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाती है, चार्जर है, यहाँ पे है आपका USB केबल चार्जिंग पर्पज़ के लिए, और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल। तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और Redmi Note 4 ब्लैक को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली चीज़ें जो अंदर है वो तो सारे फ़ोन में सेम होने वाली है, और यहाँ पे हमारे पास 4GB 64GB वेरियंट है। और यहाँ पे आप पीछे इसका लुक देख सकते हैं, काफ़ी शाइनी मैट ब्लैक टाइप का कलर है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम फ्रंट में देखें तो आपको पूरा ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है, पीछे भी काफ़ी ब्लैक कलर है। और Redmi Note 4 की हम कंपेयर करें Redmi Note 3 के साथ तो बिल्कुल भी ये फ़ोन स्लिपरी नहीं है और ग्रिप में भी काफ़ी अच्छा है। और पर्टिकुलर ब्लैक वेरियंट की तो मैं क्या बात करूँ, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, थोड़ा आपका लक बहुत अच्छा होगा तो ही आपको ये मिल पाएगा। और यहाँ पे हम बात करें, 2 महीने हो चुके हैं Redmi Note 4 जो पुराना था वो यूज़ किए हुए, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी कैमरा इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। अगर हम इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो आपको इसकी फुल्ली बैटरी चार्ज करने में 1 आवर और 20 मिनट लगेंगे, और बैटरी लाइफ की बात करें तो 2 दिन तक आप आसानी से इसकी बैटरी यूज़ कर पाएंगे मीडियम टू हायर यूज़ के अंदर। तो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है। और पर्टिकुलर बजट की बात करें कि 12-13 हज़ार में इससे अच्छा स्मार्टफोन आपको नहीं मिल सकता है। और ब्लैक वेरिएंट की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे पीछे आपको फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी देखने को मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है बिल्कुल भी पीछे का। मगर ब्लैक वेरिएंट पे मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर मुझे कोई भी कवर डालने की भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इसे ऐसे ही यूज़ करने का बिल्कुल भी मजा आएगा। तो आई होप कि अगर आप ब्लैक वेरिएंट के लिए वेट कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक कि अगले सेल में आपको ये वेरिएंट मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं खुश सर आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।